हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या ईपी पुलिस के महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास को लेकर आए हैं, जो आप लोग के बीच में बेहद फायदेमंद होने वाला है। वैसे प्रश्नों को यहां पर चुना जाता है दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दे रखा है, अकबर के नवरत्न बैठ बैठ पर एमडीएच, यानी अकबर के दरबार में कुल 9 लोग रहा करते थे और उन्हीं 9 लोग को नवरत्न कहा गया, और उनके दरबार में जो नवरत्न रहा करते थे उनका यहां पे ट्रिक है दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा बी से बीरबल, ए से हो जाएगा अबुल फजल, अबुल फजल, और टी से हो जाएगा तानसेन। बी से हो जाएगा भगवान दास फैजी, भगवान दास फैजी, और ए से हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। टी से हो जाएगा टोडरमल, और यम से हो जाएगा मान सिंह, और डी से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा, और एच से हो जाएगा हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। यानी कि ये अकबर के दरबार में कुल 9 लोग रहा करते थे और इनमें तानसेन के बचपन का नाम कभी कभी पूछा जाता दोस्तों, तो राम तनु पांडे, इनके गुरु का नाम हरिदास, और यहां पे बीरबल है, इनके बचपन का नाम महेश दास। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी लेबनान। तो यहां पे दिया है मुखबरात मिस्र यानी इजिप्ट देश की गुप्तचर संस्था है। केवल दोस्तों अल मुखबरात कह दिया जाता, अल मुखबरात, तो ए आंसर हो जाता है इराक का। इराक देश की जो गुप्तचर संस्था है वो आपका हो जाता अल मुखबरात। भारत की सीबीआई, भारत का जो गुप्तचर संस्था है वो हो जाएगा दोस्तों सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यहां पे सूडान जो आया है तो सूडान का हो जाएगा राष्ट्रीय खुफिया, सूडान का राष्ट्रीय खुफिया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी कहां है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, अबू धाबी है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कर्नाटक में स्थित है। और यहां पे दोस्तों यदि काकरापारा कहा जाता, काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पे स्थित है? तो ये हो जाता गुजरात। और तारापुर कहा जाता कि तारापुर आपका कहां स्थित है? तारापुर परमाणु विद्युत गिरी, तो ये हो जाता महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। जबकि रावत भाटा कहा जाता, तो रावत भाटा आपका हो जाता राजस्थान, परमाणु विद्युत गिरी राजस्थान। नरोरा आपका हो जाता उत्तर प्रदेश। कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये 4 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है एक बार।
बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीरदास है। भारत दुर्दशा बहुत ज्यादा फेमस आपकी भारत दुर्दशा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाता है। भार तेंदु हरीश चंद्र भारत दुर्दशा के रचयिता हैं। भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो भारत द्वारा प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट था। स्टालिनग्राड किस नदी के किनारे बसा है? तो स्टालिनग्राड जो है वो बोल्गा नदी के किनारे बसा है। बोल्गा नदी के किनारे बसा है और भारत की राजधानी नई दिल्ली कहा जाता, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो इसका आंसर हो जाता दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, अकबर की दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो अकबर का दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में हुआ था और जो कुप्रथाएं इन्होंने हटाई उसका ट्रिक हो जाएगा दास तीज। दास तीज, दास का मतलब हो जाएगा दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीस हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में, तथा जस हो जाएगा जजिया कर 1564 ईस्वी में इन्होंने हटाई थी। यहां पे हो जाएगा दोस्तों दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी, तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में हटाया, जबकि जजिया कर 1564 ईस्वी में हटाया था। कौन सा मुगल शासक नगाड़ा बजाता था? तो जो नगाड़ा बजाता था वो अकबर था। तानसेन के बचपन का क्या नाम था? तो तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। और तानसेन किसके दरबारी कवि थे? तो दरबारी कवि जो थे अकबर के थे। और तानसेन के गुरु का नाम आपका हरिदास था। गुरु शिखर किस पर्वत की चोटी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की चोटी है। अरावली पर्वत की चोटी है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है और यह राजस्थान में स्थित है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने किया वेदांत कॉलेज की स्थापना। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी कहा जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना, तो भी इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी जी के राजनीति गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी की जी के राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे।
और इन्हें महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी? महात्मा की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर। और उन्हें राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 9। अगला हो जाएगा खो खो में खिलाड़ी, पोलो में, वाटर पोलो में तथा नेटबॉल में, कबड्डी में। कबड्डी में, वॉलीबॉल में, रग्बी फुटबॉल में इन सब खेलों में खिलाड़ियों की संख्या खो खो में 9 और क्रांस लेंस की संख्या खो खो में पूछा जाएगा तो 8 होते हैं। और खो खो का अर्थ होता है पकड़ो और भागो। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 अक्षर होता है POLO, इसमें इसलिए 4। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं तथा नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? चाइना मैन शब्द का खेल का संबंध क्रिकेट से है और इसमें देवघर ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी दिलीप ट्रॉफी इन सब खेलों का संबंध क्रिकेट से है। हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है और हवाई जहाज में जो गैस भरी जाती है टायरों में वो हीलियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है लेकिन हाइड्रोजन गैस को इसलिए नहीं भरी जाती है क्योंकि वह ज्वलनशील है और ऊपर जाने पर वह जलने लगेगा, इसलिए हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस को भरा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। और इसमें एलिसा टेस्ट एड्स में ही कराया जाता है, परीक्षण कराया जाता है। भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता? तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता और जापान का पूर्व नाम निप्पन था। और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है और अर्धरात्रि का सूर्य देश नॉर्वे को कहा जाता है जो कि 21 जून को अर्धरात्रि का सूर्य
माना जाता है। मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? तो चेन्नई, और चेन्नई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो पहले दमदम के नाम से जाना जाता था, यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और उसका ट्रिक हो जाएगा, ओ संस्कृत का ओयम पढ़कर टीटी बन गया। इसमें ट्रिक हो जाएगा दोस्तों, संस्कृत ओ से उड़िया, यम से मलयालम, का से कन्नड़। संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, त से तमिल और त से तेलुगु। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, 2004 में इसकी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तथा सबसे नया शास्त्रीय भाषा उड़िया है जो 2014 में राष्ट्रीय भाषा का इसे दर्जा दिया गया। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बाघ का वैज्ञानिक नाम पाइथन टिग्रिस होता है। और बाघ मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकता है, 6 गुना अधिक देख सकता है। रबर का विश्व में प्रथम उत्पादक देश कौन है? तो सबसे ज्यादा रबर उत्पादक देश थाईलैंड है। और भारत में रबर उत्पादक में प्रथम देश केरल है। भारत में प्रथम रबर उत्पादन देश केरल है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया। और आर्य समाज की स्थापना बहुत ज्यादा फेमस है, आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती ने की, दयानंद अर्जुन पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार एक खेल नहीं, सभी खेलों में दिया जाता है जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करता है, सभी खेल में दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। यदि ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता तो इसका आंसर हो जाता है दोस्त फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, और यह विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ, और केरल के तट को मालाबार के नाम से जाना जाता है। केरल के तट को मालाबार के नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा,